अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बकरा ईद के मौके का एक ऐसा वाक्या बताने वाले हैं जिसको सुन करके आपके आंखों में आंसू आ जाएगा और आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप मेहरबानी करके इस वीडियो को पूरा आखिरी तक ज़रूर से देखें। अगर ये वाक्या आपका दिल छू ले तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसको ज़रूर से शेयर कर दें ताकि बकरा ईद से पहले पहले ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम भाई बहनों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, बकरा ईद का दिन था, सारे लोग ईदगाह गए हुए थे नमाज पढ़ने। नमाज खत्म हो गई, एक गरीब घर की औरत प्याज काट करके अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर कुर्बानी के गोश्त आने का इंतज़ार करने लगी। घर के सारे बच्चों की नज़र दरवाजे को चीरती हुई रास्तों पर लगी हुई थी, इस उम्मीद के साथ कि कोई रिश्तेदार, कोई पहचान वाला तो होगा जिसने कुर्बानी की होगी और हमारे लिए गोश्त भिजवाएगा। लेकिन अभी तक इस घर में किसी ने गोश्त नहीं भेजा। अब तो घड़ी भी 11 और 12 का वक्त दिखा रही थी और गरीब परिवार के सब्र का इम्तिहान ले रही थी, पर कोई भी अल्लाह के नेक बंदों को इस गरीब घर की याद ना आई और ना ही किसी ने इस गरीब घर के लिए गोश्त भेजा। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते होंगे कि कुर्बानी के गोश्त खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। रोज एक एक बोटी बांट करके गोश्त खाने वाले गरीब घर के लिए बकरा ईद का दिन ऐसा होता है जब माँ गिन गिन करके नहीं बल्कि जितनी मर्जी होती है उतनी बोटियाँ खिलाती है। लेकिन दोस्तों, आज इस गरीब घर में एक भी गोश्त की बोटी नहीं भेजी गई। अब तो माँ के सब्र का भी जवाब देने लगा और मन ही मन कहने लगी, या अल्लाह, आज ईद उल अज़हा के दिन भी मेरे बच्चे कुर्बानी के गोश्त से महरूम रहेंगे। अपने फटे दामन से अपनी आंखों के आंसू को पोछते हुए एक गरीब माँ सोचने लगी। दोस्तों, क्या इस गरीब माँ के आंसुओं के सवाल का जवाब है आपके पास? दोस्तों, आप इस बात पर ज़रूर गौर करें। हमारे समाज के कुछ बेफिजूल रिवाजों के चलते हमारे आसपास न जाने कितने ही गरीब बच्चे कुर्बानी के गोश्त से महरूम रह जाते हैं, कितनी माओ की पलकें आंसुओं से भीग जाती है। दोस्तों, हम क्या करते हैं, जिनके यहाँ कुर्बानी होती है उन्हीं रिश्तेदारों और दोस्तों और जान पहचान वालों के यहाँ अपना सारा कुर्बानी का गोश्त भेज देते हैं और वो लोग भी यही गलती को दोहराते हुए, यानी कि वो भी इन्हीं घरों में गोश्त वापस भेज देते हैं। और इस तरह दुनिया की झूठी रीति रिवाजों के चलते ना जाने कितने गरीब घर के बच्चे ईद उल अज़हा के दिन कुर्बानी के गोश्त खाने से महरूम रह जाते हैं और इनके हिस्से का गोश्त भी ऐसे लोगों के पास पहुंच जाता है जिनको इसकी ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों, इस बार ईद उल अज़हा के मुबारक मौके पर पक्का इरादा ही कर लें, अगर आपके घर में कुर्बानी है तो आप पहले ही अपने रिश्तेदारों और दोस्तों जान पहचान वालों के यहाँ ये इत्तला कर दो, बता दो हमारे यहाँ पर कुर्बानी है, हमें अपनी कुर्बानी का गोश्त ना भेजें और अल्लाह के वास्ते आप जो गोश्त भेजने वाले हैं उसको गरीबों के घर में भेज दीजिए, हमें जर्रा बराबर भी गोश्त ना भेजें, हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दोस्तों, इस बात का भी आप ख्याल रखें कि आपके आसपास ऐसे घर हैं जो हालात के मारे कुर्बानी नहीं कर सकते हैं, तो आप सबसे पहले ऐसे ही घरों में कुर्बानी का गोश्त भेजिए और मेहरबानी करके इस वीडियो को बकरा ईद से पहले पहले अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर कर दीजिए और इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाइए। प्यारे दोस्तों, हमारा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको ये करना है कि अगर आपके घर में कुर्बानी हुई है तो आप सबसे पहले ये इरादा कर लें और बकरा ईद के दिन पहले से ही, यानी कि बकरा ईद के एक दिन पहले से ही आप ये देख लें कि किनके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई है, और जैसे ही आपके यहाँ कुर्बानी हो जाए वैसे ही आप अपने कुर्बानी के गोश्त को
उन घरों में भेजें जहां पर कुर्बानी नहीं हुई है। वो लोग आपके कुर्बानी के गोश्त का इंतज़ार करते होते हैं, तो ऐसे घर में कुर्बानी का गोश्त आप फौरन ही भेज दें। हाँ, ऐसा ना करें कि आपके यहाँ कुर्बानी हो गई, आपने कलेजी फेफड़ा वगैरह खा लिया और फिर दांत को साफ करते हुए ये पूछेंगे कि कहाँ कहाँ गोश्त भेजना है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। बल्कि जिस तरह से आपको कुर्बानी के गोश्त को खाने की चाहत होती है, और भी लोगों को कुर्बानी के गोश्त को खाने की चाहत होती है। ना जाने कितने ऐसे घर मौजूद हैं जिन्होंने सालों सालों गोश्त तक नहीं देखा है, गोश्त तक नहीं खाया है। तो आप सबसे पहले ऐसे घरों में कुर्बानी का गोश्त जरूर से भेज दें। तो प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।